छोटा राजन के गुर्गों के साथ पार्टी करने की सजा एनसीपी के नेता पॉलसन जोसेफ को भी भुगतनी पड़ी, जिसके घर ये पार्टी हुई थी। एनसीपी ने जोसेफ और उनकी पत्नी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। पार्टी में शरीक हुए पुलिस अफसरों की बर्खास्तगी के बाद विपक्ष ये मांग लगातार कर रहा था। पार्टी करते हैं लोग तनाव दूर करने के लिए, लेकिन मुंबई पुलिस के 5 अफसर और एनसीपी के एक नेता के लिए ये पार्टी तनाव और परेशानी का सबब बन गई। छोटा राजन के साथियों के साथ कदम ताल मिलाने की सजा पुलिसकर्मी तो झेल ही रहे थे, अब इस पार्टी की गाज गिरी है एनसीपी नेता पॉलसन जोसेफ पर। इस विवादित पार्टी का आयोजन जोसेफ ने ही किया था और उनकी इस गलती पर एनसीपी ने उन्हें और उनकी पत्नी को चलता कर दिया। जोसेफ की पत्नी एनसीपी की महिला विंग में सक्रिय कार्यकर्ता थी। अखबार में भी आया, हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पार्टी के, उन्होंने भी हमको रिपोर्ट भेजी। वह फिर मुंबई कांग्रेस वालों ने रिपोर्ट भेजी, और ऐसे लोग तो हम पार्टी में रखते नहीं, हमारी पार्टी को ऐसे नहीं चलता, इसलिए हमने उसको एक्सपेल किया पार्टी से। हालांकि एनसीपी की कार्रवाई में हुई देरी पर विपक्ष अभी भी भन्नाया हुआ है। उसी समय इनको निकाल देने की आवश्यकता थी, पर वो निकाला गया नहीं। बाद में मीडिया का प्रेशर बढ़ गया, सभी मीडिया ने उसको जोर शोर से उठा लिया, और पब्लिक का भी प्रेशर बढ़ने के कारण अभी राष्ट्रवादी ने लेट क्यों न हो पर इसको पार्टी से निकाल दिया गया। उधर एनसीपी अपनी की गई कार्रवाई पर खुद ही पीठ थपथपा रही है। उसे इस बात पर शर्म नहीं आ रही कि उसकी पार्टी का एक नेता अंडरवर्ल्ड से रिश्ते बनाए हुए था, बल्कि उसके निष्कासन को कुर्बानी ठहराने पर तुली हुई है। ऐसा ही रिपोर्ट आने को देर लगता है, वो क्या सचमुच हुआ या नहीं, वो होता है या नहीं, ऐसा है ना। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का रिपोर्ट आया, फिर मुंबई कांग्रेस का रिपोर्ट आया, तो देर नहीं, ये तो एक्शन लिया ना हम लोगों ने, वो तो वेलकम होना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेते। लेकिन कार्रवाई में हुई देरी पर पार्टी कोई मजबूत कारण नहीं दे पाई। बहरहाल इस पार्टी को मनाने वाले पुलिसकर्मी और एनसीपी के नेता को सजा तो मिल गई, लेकिन इस पार्टी में शामिल होकर जिन छोटा राजन के गुर्गों ने इसे विवादित बनाया वो शायद अब भी कहीं किसी पार्टी में नाच रहे होंगे। अभिषेक चौधरी, मुंबई आज तक।